Hi guys, I am Swapnaja Sharma and welcome back to my channel. So tomorrow expiry, तो आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख के ये देखेंगे कि कहाँ एक्सपायरी हो सकती है. OI चार्ट्स देखेंगे. अभी तक जितने लेवल्स दिए थे मैंने पिछली वीडियो में, तो मेरे ख्याल से अब न्यू फिर से लेवल ड्रॉ करने का टाइम आ गया है. सो लेट्स सी, कुछ नए लेवल्स ड्रॉ करेंगे और देखते कि कल क्या हो सकता है. ओके, सो लेट्स डाइव इन. ओके गाइस, ये है निफ्टी का चार्ट. सबसे पहले देखते हैं हम कि निफ्टी में क्या हुआ दो दिन से और आगे क्या हो सकता है. जहाँ तक लास्ट वीडियो में हमने देखा था, निफ्टी ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था. ये लेवल थी 11,497.37, सो ऑलमोस्ट 11,500. और मैंने ये भी कहा था कि 11,500 को क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा निफ्टी को टाइम लगेगा. ओके, नेक्स्ट डे एक गैप अप ओपनिंग हुई पर वो सस्टेन नहीं हो पाई और निफ्टी नीचे आया. ऑल्दो ये उसने तब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका था. और फिर से अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, ये हो गई गैप अप ओपनिंग. यहाँ से निफ्टी नीचे आया. ये जो हमने उस दिन एक लेवल ड्रॉ करी थी 11,454, ये बहुत अच्छा बेस बनता हुआ उस दिन नज़र आया. 25th की बात है ये, 25 अगस्त की. तो ये जो वीक से ये बता रहे थे कि यहाँ से एक बाइंग आ गई है. फिर से वो यहाँ से ऊपर गया, 11,500 का एक रेजिस्टेंस लिया. अगेन इट केम डाउन, फिर से यहाँ पे बाइंग आई है. इस बार इस लेवल से आई है जो हमने प्लॉट करी थी 11,428. तो ये सारी जो वीक्स है ये बता रही थी कि नीचे से बाइंग अच्छी खासी आई है. जब जब नीचे आया है निफ्टी तब तक एक अच्छी खासी बाइंग आई है निफ्टी में. तो उसके बाद कल जाते जाते हमने एक अच्छी रैली भी देखी निफ्टी में. ओके, आज भी क्या हुआ, आज भी फिर से 11,500 के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दी. सेम सस्टेन नहीं हो पाया, उसके बाद फिर से नीचे आया. अब सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी निफ्टी की. अगेन मैं कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है. ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यही बता रही थी कि मार्केट में बाइंग आएगी. ओके, दैट वाज द फर्स्ट साइन, क्योंकि यहाँ से तो हमने बाइंग देखी थी. अब नेक्स्ट जब ये यहाँ से नीचे आया तो एक कंफर्मेशन चाहिए थी जो यहाँ पे दी. सेकंड, जब निफ्टी ने ये जो लेवल है 11,500 जो हम एक इम्पॉर्टेंट और एक साइकोलॉजिकल लेवल मैंने उस दिन बोला था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पार करने में, पर ये लेवल निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच करी. और ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ये थी अबाउ 80, क्योंकि दिन भर निफ्टी एक नैरो रेंज में घूम रहा था. और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने बिल्कुल एक जो ब्रेकआउट कैंडल थी हमारी लेवल की, ब्रेकआउट कैंडल विथ ऑल दिस RSI सपोर्ट. देन जो हमने नेक्स्ट टारगेट ये प्लॉट करे थे ये आने ही थे. ये लेवल थी 11,555 की. ओके, और ये उसी दिन हमने प्लॉट करी थी. जब यहाँ से निफ्टी बिल्कुल अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल से गया तो ये नेक्स्ट स्टेशन उसका आना था जो आ गया, और मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे जाके बंद हुआ है. अब आगे क्या, अब नेक्स्ट जो लेवल है वो लेवल है 11,648. ओके, बहुत ज़्यादा दूर है ये लेवल, ऑलमोस्ट से 100 पॉइंट्स. बट अगेन द थंब रूल इज, ये जो लेवल है 11,555, ये लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच होनी चाहिए जिसका RSI अबाउ 80 चाहिए, तभी ये लेवल नेक्स्ट आ पाएगी. ओके, अब ये लेवल मैंने कैसे निकाली 11,648, इसके लिए मुझे बिल्कुल पीछे 3rd Feb 20 तक का काम देखना पड़ा. सो आई शो यू, ये काम जो है ये यहाँ पे हुआ है. 11 फेब का ये पूरा काम है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लिया था निफ्टी ने जब 3rd Feb को था, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक बार नीचे आया, फिर से इसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर एक रैली करी थी उसने. और उसके बाद की ये लेवल यहाँ से निकाली है विच इज़ 11,789. ओके, ये भी एक लेवल है नेक्स्ट. तो ये लेवल तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे. फिलहाल ये लेवल इम्पॉर्टेंट है विच इज़ 11,648. सो मार्क दिस न्यू लेवल एंड लेट्स सी. अब फिर से हम अपने अभी वाले प्राइस एक्शन पे आते हैं. अगेन अगर कल को गैप अप ओपनिंग होती है और वो सस्टेन होती है तो यू कुड सी दिस टारगेट्स. अदरवाइज ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन सकता है विच इज़ 11,500. एक चांस है कि वो यहाँ पर तक भी आ सकता है अगर हम इनके ओपन इंटरेस्ट देखें, ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि कल एक्सपायरी है. एटलीस्ट कल क्या हो सकता है वो देखते हैं. कहीं ना कहीं यू कुड सी कि पुट साइड में बहुत ज़्यादा काम हुआ है. ओके, पुट साइड में काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, इसलिए पुट साइड एक मजबूत नज़र आ रही है, जहाँ पे कॉल साइड बहुत ही पुअर है. तो एक ओआई अभी ये कह रहा है कि हाँ ऊपर जा सकता है. मैक्स पेन 11,450 का है. अगर कॉल साइड में देखा जाए तो 11,600 एक रेजिस्टेंस की तरह नज़र आ रहा है. ओके, 11,600 तो और 50 पॉइंट्स निफ्टी को ऊपर जाने में एक रेजिस्टेंस है, और 11,500 को बहुत अच्छा सपोर्ट बिल्टअप हो रहा है. सो ऑलमोस्ट जो मैक्स ओआई राइटिंग हुई है वो 11,500 और 11,400 पे हुई है, और 11,600 पे उसके मुकाबले कम हुई हैं. तो ये अभी तक के ओआई है. पर अगर हम ओआई चेंज को देखें, क्योंकि हमेशा जो मेन गेम होता है वो वही समझ में आता है. अगर आज की चेंज की बात करें तो इफ़ यू कैन सी दिस क्लियरली, निफ्टी में जो है 11,500 को सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है. आज का है ये डेटा. ओके, तो 11,500 के नीचे तो एक्सपायरी होगी नहीं, 11,500 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी. और यहाँ पे 11,700 पे थोड़ा बहुत कॉल बिल्टअप हुआ है, तो ऑफकोर्स 11,700 तक नहीं जाएगा, 11,700 से नीचे होगी. मेनली ये देखना होगा कि 11,600 भी कल ब्रीच होता है या नहीं, क्योंकि जहाँ तक ओआई राइटिंग बता रही है ये जो है यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हुई है इस लेवल पे. ओके, 11,600 पे. सो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि 600 और 700 के बीच एक्सपायरी हो सकती है. ओके, तो इस हिसाब से कल भी मार्केट का मोड बुलिश रह सकता है. सो दिस इज़ निफ्टी फॉर यू गाइज. लेट्स सी बैंक निफ्टी. ओके गाइज, हमने हमारे पिछली वीडियो में यहाँ तक का काम देखा था. यह है 24 अगस्त का, यह है 24 अगस्त का काम हुआ था. हमने यहाँ पे एक सेलिंग जोन भी बनाया था, पर नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई, इस जोन के ऊपर ओपनिंग हुई थी, और कहीं ना कहीं ये लेवल हमने जो ड्रॉ किया था 23,000 का ये लेवल था, इसके भी ऊपर हुई थी, सस्टेन नहीं हो पाई, अगेन इट केम डाउन, और इसी जोन से फिर से बाइंग आई है उसमें. ओके, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा जब सस्टेन नहीं कर पाई थी, फिर इसी जोन से बाइंग आई है. अब जब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जब ये पिन बार कैंडल्स बनते हैं विथ ऑल दिस लॉन्ग वीक, उसका भी अपना जो सिग्निफिकेंस एक सिग्निफिकेंस रहता है. जैसे हम स्ट्रॉन्ग कैंडल का देखते हैं, जब जब ये इसी लेवल पे नीचे आया था, कहीं ना कहीं यही शो कर रहा था कि इसमें बाइंग आ रही है नीचे से. ओके, और अच्छा खासा ये 23,000 के ऊपर ही कल क्लोज हुआ था. आज अगेन एक गैप अप ओपनिंग थी, ऊपर आया. जैसे मैंने तब भी आपको बोला था कि इन दो लेवल के बीच में का कोई लेवल नहीं है, शायद वो मार्केट दे सकता है. आज जितना निफ्टी स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं था. बहुत बाद में बैंक निफ्टी में एक रैली देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं ये बेस बना रहा था. तो ये जो बेस आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, ये पर्टिकुलर बेस. तो ये जो लेवल है वो 23,222 है. ओके, 23,222. तो यहाँ पे उसने एक बेस बनाया था, और उसके बाद जब निफ्टी में पहले रैली आई, उसके बाद बैंक निफ्टी ने दौड़ना एक्चुअली शुरू किया. और ये लेवल अगेन हमने मार्क करे थे, ये लेवल थे 23,415. तो इस लेवल पे बिल्कुल बैंक निफ्टी आके रुक गया है, बट ये लेवल को भी अच्छे से ब्रीच भी किया है. ऑफकोर्स RSI तो आज स्ट्रॉन्ग था ही, उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ द डे में. तो अब नेक्स्ट क्या? ओके, सबसे पहले हम लेवल नई मार्क करते हैं ऊपर की. ओके, एक लेवल हमारी ये 24,000 की मार्क है, उसके बीच में हम देखते हैं कोई लेवल. ओके गाइस, ये हम काम देख रहे हैं 16 मार्च का. जैसे ये जो हमने लेवल मार्क करी है 24,75, ये उस दिन की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का हाई है. वैसे ही अगर इन दोनों के बीच की एक लेवल मार्क करें हम, तो और एक लेवल नज़र आ रही है, और वो है 23,776. 23,776. ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा एक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखने को मिल सकता है, और यहीं से एक बाउंस लेके फिर से ऊपर रैली करी थी. जब ये नीचे यहाँ से आया था, तो यहीं से एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया. तो कहीं ना कहीं इस ये लेवल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ 23,776. सो लेट्स सी अगेन, इन दोनों के बीच की कोई लेवल नहीं है, और अगर बैंक निफ्टी कल ये हाई ब्रीच करता है, तो नेक्स्ट यू कुड सी दिस लेवल, ओके, वेरी इजीली। अगेन अगर हम बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट देखें, ऑप्शन के बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट 23,000 पे बिल्टअप है, ओके, सबसे ज़्यादा 23,000 पे है और 23,500 पे कॉल साइड से एक ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा का शुरुआत हो रही है। सबसे ज़्यादा तो 24,000 पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और मैक्स पेन 23 पे है, ऑलमोस्ट 23,100 पे है। तो अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो ऐसा जैसे हमने निफ्टी में डोमिनेंस देखा था पुट राइटिंग का, वैसे बैंक निफ्टी में एज सच कोई डोमिनेंस नहीं है और इनफैक्ट थोड़ा सा कॉल साइड में बिट ज़्यादा ही है, ओके। और अगर हम आज के चेंज की बात करें, आज कहाँ पे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे ज़्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है 23,600 पे, ओके, और इसमें भी 23,200 पे हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, तो कहीं ना कहीं 23,600 से ऊपर नहीं जाएगी एक्सपायरी, उसके नीचे ही कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्टअप हुआ है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा आज उसी स्ट्राइक पे हुआ है, ओके। सो इससे मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि 23,600 के एक्सपायरी नीचे ही होगी, ओके। सो अगर हम बैक टू लेवल्स आए, अभी तकरीबन 23,400 चल रहा है, तो कल एक फिर से रैली देखने को मिल सकती है या गैप अप ओपनिंग हो सकती है, पर 23,600 के ऊपर शायद ही एक्सपायरी हो। बट अगेन आई वुड से कि कल एक्सपायरी है, ऑप्शन का डेटा बिल्कुल मिनट टू मिनट वॉच करो और उस हिसाब से एक्सपायरी को प्ले आउट करो। एंड यू गाइज नो द ड्रिल, जब रेजिस्टेंस पे आता है तब थोड़ा सा हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस पे कितना, रेजिस्टेंस को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है और फिर कॉल शॉर्ट करेंगे। और जब पुट साइड में, सपोर्ट साइड में आता है, फिर देखेंगे कि सपोर्ट साइड में कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद पुट शॉर्ट करेंगे, ओके। ओके गाइस, दिस इज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर यू। जब भी मैं एक्सपायरी का, ओपन इंटरेस्ट का डेटा लेके आती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये डेटा कौन से साइट से आप ले रहे हो। तो ये वेबसाइट का नाम है myfno.com, बट इसमें प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ती है, पर आप ये फ्री में भी डेटा देख सकते हो nseindia.com के ऑप्शन चेन में। तो सिर्फ उसके लिए मेंबरशिप मत लो, वो फ्री में भी, इवन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी वहाँ पे मिनट टू मिनट डेटा अपडेट होता है। सो कल एक्सपायरी बायस बिल्कुल बुलिश साइड रहेगा, सो अच्छे से एक्सपायरी प्ले आउट करना। So guys, good night and have a nice trading sessions ahead.